स्टूडेंट्स शैल वी स्टार्ट, इज माई स्क्रीन विजिबल? हेलो, इज माई स्क्रीन विजिबल स्टूडेंट्स? Please reply me, are you all ready? Ravikant, Neelam, Rishikesh, Sneha. Student screen dikh raha hai sabhi logo ko? Aap log aa gaye hai ki nahi bataiye. Sneha, are you there? Hello. Students, are you all there? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, shall we start? Is my screen visible? No. Not visible? Yes, sir, sir, yes. Okay, so I am just reading the question. On 31st March 2023, following ledger balances are extracted from the Sydney branch office. Okay? ये रुपीज इन थाउजेंड्स है, पर्टिकुलर्स मशीनरी का कॉस्ट है, मशीनरी का डेप्रिशिएशन है, डेटर्स क्रेडिटर्स है, स्टॉक है 1 अप्रैल का यानी ये ओपनिंग स्टॉक है, कैश बैलेंस है, परचेज सेल्स है, गुड्स सेंड टू ब्रांच है, वेजेस एंड सैलरीज है, रेंट है, ऑफिस एक्सपेंस है, कमीशन रिसीट है, और ब्रांच हेड ऑफिस का करंट अकाउंट है और टोटल है, राइट? तो ये बेसिकली ट्रायल बैलेंस है. और नीचे अपने को दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द अबव लेजर बैलेंसेज इनटू इंडियन रुपीस, राइट? इसको हमको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना है. और अपने को रेट दिया है, ओपनिंग रेट दिया है, क्लोजिंग रेट दिया है, एवरेज रेट दिया है, फिक्स एसेट्स का रेट दिया है, और फिर गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस का अपने को रिपोर्टिंग करेंसी दिया है रुपीज़ 100,000, और ब्रांच का भी अपने को रिपोर्टिंग करेंसी दिया है रुपीज़ 120,000, राइट? और स्टॉक एज ऑन 31st March 2023. ये एक्चुअली फिलहाल ये ट्रायल बैलेंस में ये स्टॉक नहीं आता है, इसको मैं हटा देता हूँ, राइट? तो इतना अपना क्वेश्चन है. तो ये पूरा ट्रायल बैलेंस को अपने को जो डॉलर में दिया है उसको किस में कन्वर्ट करना है? रुपीस में कन्वर्ट करना है. इज इट क्लियर? सो प्लीज़ कम टू द सोल्यूशन, राइट? सोल्यूशन में आइए और सबसे पहले लिखिए ब्रांच का नाम. What is the name of the branch? Right? The name of the branch is I think Washington branch. मैंने नहीं लिखा है, आप ये लिख लीजिए ट्रायल बैलेंस. और ऊपर ऊपर है ना ब्रांच का नाम लिख दीजिए. क्या है ब्रांच का नाम? सिडनी ब्रांच. ओके, सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर. सिडनी ब्रांच, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे. ओके, सिडनी ब्रांच. और ये जो कॉलम्स है, इतने आपको कॉलम्स बनाने हैं. ओके, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट. नाउ सिंस इट इज इन द ट्रायल बैलेंस फॉर्मेट, डेबिट क्रेडिट भी है. ओके,
तो ये डेबिट क्रेडिट डॉलर का है, फिर यहाँ पे हम लोग रेट लेंगे और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे रुपीस में। चलिए डन स्टूडेंट्स, अगर आपके कॉलम्स रेडी हो गए तो प्लीज मुझे एक हिंट देना सो दैट आई कैन स्टार्ट। हेलो, यस सर, स्टार्ट करो। ओके, सो आई एम रेफरिंग टू द क्वेश्चन, राइट? चलिए, क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को दिया है प्लांट एंड मशीनरी और उसका कॉस्ट है 200 रुपीज, राइट? तो वो अपने को यहाँ पर लिखना है। ओके, राइट हियर, प्लांट एंड मशीनरी और उसका कॉस्ट कितना है 200। प्लांट एंड मशीनरी एंड द कॉस्ट इज 200। चलिए मुझे ये बताइए, क्या प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट है? हेलो, इज प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट? ओके, तो फिक्स एसेट है, तो अपने को क्या करना है, फिक्स एसेट का रेट लेना है। किसका रेट लेना है? फिक्स एसेट का। मुझे बताइए क्वेश्चन में फिक्स एसेट्स का रेट कितना दिया है? 18। ओके, कम टू द सॉल्यूशन, फिक्स एसेट्स का रेट लिखिए 18। फिक्स एसेट्स का रेट लिखिए 18। ओके, और अभी आपको क्या करना है, 200 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 18 से। और ये डेबिट है ना, तो यहाँ पे भी डेबिट में आएगा। मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए कितना आएगा? 3600। ओके, सो 3600, फाइन। चलिए, नाउ आई एम प्रोसीडिंग फर्दर। प्लांट एंड मशीनरी के बाद, प्लांट एंड मशीनरी के बाद अपने को दिया है प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिशिएशन, राइट? तो प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिशिएशन मैं यहाँ पे लिखूंगा, और डेप्रिशिएशन का क्रेडिट बैलेंस है तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा 130। ओके, अभी जो रेट पे प्लांट एंड मशीनरी को कन्वर्ट किया है वही रेट पे डेप्रिशिएशन भी कन्वर्ट होगा, राइट? तो डेप्रिशिएशन का रेट कितना है? 18। प्लांट एंड मशीनरी का रेट 18 है, तो डेप्रिशिएशन का भी रेट कितना आएगा? 18। ओके, और ये क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ओके, सो 130 इंटू 18 बोलिए कितना आ रहा है? 2340। अभी अगेन आई एम गोइंग टू द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन में अपने को नेक्स्ट चीज दिया है डेटर्स एज वेल एज क्रेडिटर्स, राइट? 60 एंड 30। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ओके, और उसका रेट डेटर्स 60 है और क्रेडिटर्स 30 है। तो मुझे बताइए डेटर्स और क्रेडिटर्स करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी है या नहीं है? Is debtors current assets and debtors and creditors current asset and current liability? Tell me yes or no. Hello. Sundry debtor current asset है और creditor हमारा current liability है. Means in short both are current, right? तो current के लिए current closing rate लेते, कौन सा rate लेते हैं? Closing. क्लोजिंग क्लोजिंग तो क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्लोजिंग रेट कितना है। सो व्हाट इज द क्लोजिंग रेट? 24, राइट? तो यहां पे क्लोजिंग रेट लिखना है 24। ओके, अभी क्या करेंगे देखिए,
60 को 24 से मल्टीप्लाई करके डेबिट में लिखेंगे। बताइए अमाउंट कितना आ रहा है? 1440। ओके, और फिर ये 30 को 24 से मल्टीप्लाई करके क्रेडिट में लिखेंगे। 720। 24 से मल्टीप्लाई करके क्रेडिट में लिखेंगे, बोलिए कितना आ रहा है? 720। ओके, 720, वेरी गुड। चलिए, नाउ वी विल अगेन मूव टू द क्वेश्चन, और क्वेश्चन में अपने को कैश बैलेंस दिया है 10। कैश नहीं सर, स्टॉक है, पहले स्टॉक है 20, राइट, और ये ओपनिंग स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक। तो लिखेंगे हम लोग स्टॉक एज ऑन 1st अप्रैल और ओपनिंग स्टॉक है 20। ओके, चलिए आपके नोट्स में देखकर मुझे बताइए ओपनिंग स्टॉक जो है वो कौन से रेट पे कन्वर्ट होगा। ओपनिंग रेट पे। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में ओपनिंग रेट कितना है। बताइए क्वेश्चन में ओपनिंग रेट 20। तो हम लोग लिखेंगे ओपनिंग रेट 20, यहाँ पे रेट में लिखिए 20। इज इट क्लियर? और स्टॉक यहाँ पे डेबिट में है ना, तो 20 से 20 को मल्टीप्लाई करके बताइए अमाउंट कितना आएगा। 400। वेरी गुड, सो 400 इज द रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड वी विल सी द नेक्स्ट थिंग। स्टॉक के बाद क्या है? कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है? 10। सो लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में कैश एंड बैंक बैलेंस कितना डॉलर है? $10। कैश एंड बैंक बैलेंस इज $10। ओके, चलिए मुझे बताइए क्या कैश एंड बैंक बैलेंस करंट एसेट है कि फिक्स एसेट है? करंट एसेट। तो करंट एसेट को कौन से रेट पे लेते हैं? क्लोजिंग रेट पे। कौन से रेट पे? क्लोजिंग रेट, राइट। तो देखिए डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के लिए भी हम लोग ने क्लोजिंग रेट लिया था ना, बताइए क्लोजिंग रेट कितना है? हेलो, 24। एक बार दिखा देता हूँ, क्लोजिंग रेट इज 24, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग रेट लेंगे कितना? 24। तो टेक 24 क्लोजिंग रेट। ओके, और डेबिट में लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, बताइए कितना आएगा? 240। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, कैश एंड बैंक बैलेंस के बाद नेक्स्ट है परचेस एंड सेल्स, मतलब एक परचेस है और एक सेल्स है, राइट। 20 एंड 123। तो यहाँ पे हम मैं लिखता हूँ अभी फिलहाल परचेज स्लैश सेल्स। ओके, परचेज है 20 और सेल्स है 123। ओके, तो क्या मुझे बताइए परचेज और सेल्स जो है वो एक्सपेंस और इनकम है? यस और नो? यस। ओके, तो एक्सपेंस और इनकम आपके नोट्स में देखकर मुझे बताइए कौन से रेट पे कन्वर्ट होता है? एवरेज। एवरेज, वेरी गुड। सो देखिए हम लोग क्वेश्चन में एवरेज रेट क्या दिया है? सो एवरेज रेट इज 22। एवरेज रेट कितना है? 22। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? एवरेज रेट। क्या लिखेंगे? एवरेज रेट। ओके, चलिए अभी 20 से 22 को मल्टीप्लाई करके डेबिट में लिखिए और बोलिए मुझे अमाउंट कितना आ रहा है? 440। और 120 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2706। वेरी गुड। ओके,
तो ये हो गया हमारा परचेज एंड सेल्स. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट जो परचेज सेल्स हो गया ना, गुड्स सेंट टू ब्रांच कितना है, $5 गुड्स सेंट टू ब्रांच $5 राइट. तो लिखे यहाँ पे गुड्स सेंट टू ब्रांच $5 ठीक है. और मैंने बताया था गुड्स सेंट टू ब्रांच जो है ना उसको वो हमेशा अपने को गिवन रहता है. क्या रहता है? गिवन रहता है, गिवन गिवन गिवन. इज दैट क्लियर? मतलब उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसका रुपीज ऑलरेडी गिवन रहेगा राइट. तो यहाँ पे देखिए नीचे राइट, नीचे अपने को दिया है गुड सेंड बाय हेड ऑफिस कितना है 100,000. कितना है? 100,000 का मतलब है 100. तो ये क्रेडिट है ना, तो हम लोग क्रेडिट में डायरेक्टली लिख देंगे 100. क्या लिख देंगे? 100. डेबिट है, डेबिट में डायरेक्टली लिख देंगे 100. एनी डाउट स्टूडेंट्स? नो सर. गुड सेंट टू ब्रांच में कोई मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली 100 दिया है तो 100 लिख देना. फाइन, चलिए आगे बढ़ेंगे. फिर से देखते हैं क्वेश्चन में. क्वेश्चन में नेक्स्ट अपने को क्या दिया है राइट. गुड सेंट टू ब्रांच के बाद दिया है वेजेस एंड सैलरीज 45. वेजेस एंड सैलरीज 45. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेजेस एंड सैलरी एंड आई विल राइट 45. चलिए मुझे बताइए क्या वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस है? यस. एक्सपेंस का कन्वर्शन रेट बोलिए किस में कन्वर्ट करना है, कौन सा रेट यू? एवरेज. एवरेज रेट. वेरी गुड. ओके, तो एवरेज रेट देखते हैं हम लोग. बताइए एवरेज रेट कितना दिया है? 22. सो एवरेज रेट इज 22 राइट. तो हम लोग रेट में लिखेंगे 22. ओके, और 45 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिए. 990. वेरी गुड. नेक्स्ट रेंट दिया है. क्या दिया है? रेंट. रेंट इज 12 राइट. सो यहां पे मैं लिखता हूं रेंट 12. रेंट 12. ओके, चलिए मुझे बताइए क्या रेंट एक्सपेंस है. हेलो, टेल मी इज सर. नो. यस यस. तो एक्सपेंस का कौन सा रेट होता है? एवरेज. एवरेज. तो अभी अभी हम लोग ने लिया ना एवरेज रेट कितना है बोलिए. 22. लिखिए 22. तो रेंट को मल्टीप्लाई कीजिए 12 × 22 और आंसर बताइए. 264. वेरी गुड. चलिए शैल वी प्रोसीड. यस सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. रेंट के बाद दिया है ऑफिस एक्सपेंस. क्या दिया है? ऑफिस एक्सपेंस. सो वी विल राइट हियर ऑफिस एक्सपेंस. और कितना डॉलर है? 18. चलिए बोलिए क्या ऑफिस एक्सपेंस एक्सपेंस है? यस. बोलिए एक्सपेंस का रेट. 22. तो एक्सपेंस का रेट 22. चलिए मल्टीप्लाई कीजिए. $396. वेरी गुड. फाइन, लेट्स सी नेक्स्ट. कमीशन रिसीट 100.
कमीशन रिसीट 100, तो कमीशन रिसीट 100। कमीशन रिसीट 100, मुझे बताइए क्या कमीशन रिसीट इनकम है? इस कमीशन रिसीट इनकम यस बोलिए तो इनकम कौन से रेट पे? एवरेज रेट। बताइए एवरेज रेट कितना है? 22। और कन्वर्ट करके ये क्रेडिट में लिखना है क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट में है ना, इसके लिए बोलिए कितना आ रहा है? 2200। चलिए डन स्टूडेंट्स। डन सर। फाइन, देन नेक्स्ट इज व्हाट? ब्रांच और हेड ऑफिस करंट अकाउंट 7। ब्रांच और हेड ऑफिस करंट अकाउंट 7, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ब्रांच और हेड ऑफिस करंट अकाउंट और उसका डॉलर है 7। ओके, और ब्रांच और करंट अकाउंट या हेड ऑफिस करंट अकाउंट भी हमेशा क्या होता है? गिवन। ये दो चीज हमेशा गिवन होता है, गुड्स सेंट टू ब्रांच और ब्रांच और हेड ऑफिस करंट अकाउंट, दिस टू थिंग्स आर ऑलवेज गिवन। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में जाके देखते हैं कि गिवन में कितना दिया है। ओके, तो इसका कितना दिया है? 120,000। कितना दिया है? 120,000। और ये क्रेडिट में है ना, तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे 120,000। फिर एक लाइन छोड़ के टोटल करना है, डॉलर का तो टोटल वहीं से उठा लेना है क्वेश्चन में से ही। ओके, फॉर डॉलर टेक द टोटल फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। और अभी सुनिए, ये जो रुपीज है ना, इसका टोटल अपने को सेपरेटली करना पड़ेगा। गर्ल्स लोग मुझे क्रेडिट साइड का टोटल करके बताइए और बॉयज डेबिट साइड का टोटल बताइए कितना आ रहा है। मैं यहाँ पे रफ में लिखूंगा, गर्ल्स क्रेडिट का टोटल बताइए कितना आ रहा है। और बॉयज डेबिट का टोटल बताइए कितना आ रहा है। स्टूडेंट्स आर यू डूइंग 7S70। कितना रहा है डेबिट का? 7S70। 7870। 7870। ओके, क्रेडिट का बोलिए। नेहा, अनुपा और भी कोई है गर्ल्स में प्रेजेंट? And let me check whether 7870 is also correct or not. ठीक है। गर्ल्स बोलिए 8086। कितना है क्रेडिट का? 8086 है ना? यस सर। ओके, 8086। तो मुझे बताइए हैवियर टोटल कौन सा है?
कौन सा टोटल बड़ा है? क्रेडिट, क्रेडिट का, तो दोनों तरफ क्रेडिट का टोटल लिखिए, 8086 8086। ओके, जो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? डेबिट में, राइट? तो उसको बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। और डिफरेंस निकाल के बोलिए, 8086 माइनस 7870। नहीं, गलत है। 216. I hope everybody is getting this. Yes, sir. Okay. चलिए अभी मैं क्विकली है ना एक बार फिर से थियरी है ना रिवाइज कर देता हूँ, ताकि जो लोग लेट आए हैं उन लोगों को दिक्कत नहीं हो एक बार फिर से, क्योंकि सिंपल है थियरी, कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें। सो मैं फिर से एक बार ये थियरी वाला फाइल ओपन कर रहा हूँ, एंड आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन। दिख रहा है सबको? हेलो, यस सर। क्या बोलिए? फॉरेन करेंसी कन्वर्जन। तो इसमें अपने को किस तरीके से क्या करना होता है, फॉरेन करेंसी को रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करना होता है, राइट? रिपोर्टिंग करेंसी मतलब इंडिया के लिए रिपोर्टिंग करेंसी जो है वो रुपीज है, राइट? और रुपीज के अलावा बाकी जो भी है, डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, ये सारे क्या है? फॉरेन करेंसी, राइट? तो अपने को क्या करना होता है, ये फॉरेन करेंसी को रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करना होता है, राइट? तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग रेट यूज करके कन्वर्ट करने का, क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग रेट यूज करके कन्वर्ट करने का, एक्सपेंसेस एंड इनकम को एवरेज रेट यूज करके कन्वर्ट करने का, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को क्लोजिंग रेट यूज करके कन्वर्ट करने का, ठीक है? हेड ऑफिस का हमेशा अपने को रिपोर्टिंग करेंसी दिया होगा, और गुड्स एंड टू ब्रांच का भी रिपोर्टिंग करेंसी हमेशा गिवन होगा, ओके? बस इतना सा आपको याद रखना है, ओके? और कुछ स्पेसिफिक नोट है कि अगर फिक्स एसेट का अपने को अलग से रेट दिया है, तो फिक्स एसेट्स को वो रेट पे कन्वर्ट करना है, राइट? ना कि क्लोजिंग रेट पे, राइट? और फिर अगर ब्रांच इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब है नॉन इंटीग्रेटेड, तो उस केस में फिर फिक्स एसेट्स को भी जो है वो क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करने का, ओके? और जो अपने को बैलेंस मिलेगा वो कहाँ पे जाएगा? फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में जाएगा। जैसे अभी अपन ने वो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में ट्रांसफर किया ना डिफरेंस, राइट? तो अगर इंडिपेंडेंट ब्रांच है तो वो उसका नाम खाली चेंज हो जाएगा, वो नाम होगा फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, ओके? और लास्ट में मैंने बोला है कि अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो ब्रांच को क्या समझने का? डिपेंडेंट ब्रांच, राइट? और डिपेंडेंट ब्रांच के हिसाब से ट्रांसलेशन करने का, राइट? डिपेंडेंट ब्रांच में और इंडिपेंडेंट ब्रांच में खाली फिक्स एसेट्स का ही फर्क है। फिक्स एसेट अगर वो इंडिपेंडेंट ब्रांच है तो फिक्स एसेट्स भी क्लोजिंग रेट पे ट्रांसफर होता है, अदरवाइज फिर फिक्स एसेट्स का जो रेट दिया होता है वो रेट पे वो मतलब कन्वर्ट होता है। दिस इज द ओनली थिंग, ओके? तो ये अपना कंप्लीट हो गया, राइट? एवरीवन प्लीज ओपन योर कैमरास एंड शो मी योर नोटबुक्स, दोज हु हैव रिटन। जिन्होंने नहीं लिखा है वो आई थिंक ऋषिकेश वॉज ट्रैवलिंग, और मेरे ख्याल से अनुपा इज देयर इन द ऑफिस। अनुपा, आर यू एबल टू राइट इट? अनुपा, आई कैनॉट हियर यू, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। सर मैं अभी घर पे आई हूँ, अभी पहुंचू ना इसके लिए। हाँ कोई बात नहीं, मतलब आपने लिखा नहीं है इन शॉर्ट, राइट? तो प्लीज वो सोल्यूशन मैं शेयर नहीं करूँगा, आप सोल्यूशन क्वेश्चन मैं शेयर करूँगा तो आप बना लेंगे ना सोल्यूशन? Yes, try करूंगी सर, yes, very good, try करूंगी, fine fine। जहीर, नीलम यादव, चलिए और अटेंडेंस ले लीजिए प्लीज सभी लोग, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना अटेंडेंस का और मेरे को भेजिए जल्दी से। स्नेहा, हाउ इज योर ब्रदर?
सही है. व्हाट ही इज डूइंग नाउ? साथ में ही तो है सर, वो भी कर रहा है ना. उसने अटेंड नहीं किया, हम साथ में लैपटॉप से काम कर रहे हैं. योर ब्रदर इज आल्सो स्टडीइंग एमकॉम विद यू? यस है, वो भी लेक्चर. इसलिए तो मैं दो बुक्स दिखा रही थी आपको, वो भी साथ में ही है. ओके ओके. आई मीन एग्जैक्टली इज इन व्हिच स्टैंडर्ड नाउ? I'm in our college, MCOM. Yes. Cousin brother or my brother? Your brother, your real brother I am talking. My brother. वो अभी 12th में, अभी वो 11th में. 11th में. Okay. So my college. I don't know. Your cousin brother is studying with you. That's what you are telling. Yes. Yes. Okay. Okay, fine students. So I hope you people have enjoyed learning. Yes, sir. Very good. And Rishikesh and Anupa, please complete your notes and show me in the next lecture. Right? ये illustration 2 से मैंने record किया है. मैं YouTube channel पे upload कर देता हूँ और आपको link भेज देता हूँ. तो you can refer. Illustration 1 सही था, simple था, right? खाली उसमें balances दिए थे और हम लोग ने वो rate अप्लाई करके उसको कन्वर्ट किया था, राइट? तो आप क्वेश्चंस भेज दीजिएगा, थ्योरी एंड क्वेश्चंस. मुझे एक बार प्लीज है ना ग्रुप में रिमाइंड करना. ओके ओके सर. चलिए, शैल आई स्टॉप? अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लिया है आप लोगों ने? यस सर. हाँ, प्लीज सेंड मी, सेंड इट इन द ग्रुप, राइट? चलिए, ओके, सी यू. अभी आप लोग का मेरे ख्याल से हर्षा मैडम का लेक्चर है. ओके यस.